पटना में प्याज की कीमतों में थोड़ी सी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी ये आम लोगों की पहुंच से दूर है। सामान्य तौर पर प्याज की कीमत पटना में 20 से 25 रुपए तक हुआ करती थी, लेकिन इस तेजी ने इसकी कीमतों को और बढ़ा दिया और जो होलसेल मार्केट है वहाँ की कीमत आज के डेट में कहें तो 40 से 42 रुपए है। हालांकि दो दिन पहले इसकी कीमत 45 रुपए के आसपास थी, लेकिन आवक बढ़ने से इसके कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में और इसमें गिरावट आएगी। लेकिन सबसे मुश्किल है कि जो रिटेलर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो यहाँ से माल लेके जाते हैं और 60-65 रुपये प्रति किलो प्याज की बिक्री पटना में हो रही है। हमारे साथ मनोज कुमार हैं, बड़े व्यापारी हैं प्याज के। मनोज जी, ये बताइए कि ये क्यों बढ़ गया, इतना रेट क्यों बढ़ गया प्याज का? ये साउथ में बारिश हुई थी आज से 1 से 1.5 महीना पहले, उस वजह से ये मार्केट का उछाल हुआ। नासिक के किसान नहीं लाए माल, हाईटेक समय है, मोबाइल पे वो लोग देखते हैं कि बारिश का मौसम है, ऐसा है सब। अभी जो भी है स्टॉक का काम नासिक से ही चलता है, नासिक का ही माल बिकता है और नासिक पे ही पूरे देश का प्याज का भविष्य रहता है। जो उछाल होता है वो नासिक में होता है। हाल ही में नासिक में हम लोग यहाँ पे 45, 44, 43 बेच रहे थे, उस समय नासिक में ही 50-45 रुपया का हो गया था, लेकिन अभी आमद वहाँ बढ़ा है और आने वाले दिनों में। लेकिन आप ये कहते हैं कि वहाँ बारिश की स्थिति को देख के लोग रोक लेते हैं, मतलब प्याज का किसान रुक जाते हैं, किसान रुक जाते हैं। लाल प्याज का फसल थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से, ये उसी का वजह से ये मार्केट का उछाल हुआ है और ये हाईएस्ट, मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट पोजीशन है। अब पोजीशन नीचे डाउन होना चाहिए और 17 दिन में इसका पोजीशन डाउन होगा, सामान आ जाएगा। आज सामान तो नहीं आएगा, लेकिन और 2-4-5 रुपये की गिरावट आएगी। अच्छा, ये बिहार में भी तो काफ़ी उत्पादन होता है प्याज का, तो बिहार के किसान यहाँ पर कितना मतलब आवक होता है? हमारे बिहार में फसल होती है वो किसान के घर में होती है और किसान के लिए यहाँ कोई मंडी नहीं है। जो अपना माल लाए वो अपने किसान के घर से ही माल डिस्पैच होता है और बिहार का ज़्यादा करके प्याज आपको असम बंगाल में ज़्यादा खपत होती है और दर ज़्यादा जाती है। अपने वहाँ नासिक का ही प्याज ज़्यादा आमदनी होता है, उसका रीजन है नासिक का प्याज बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है और लोकल प्याज साइज छोटा होता है, इस वजह से पटना शहर में लोग बड़ा प्याज का पसंद करते हैं। नासिक का ही ज़्यादा चलता है? नासिक का ही ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये बताइए कि जो रिटेलर है, जो आपके यहाँ से खरीद के जाते हैं, वो क्या भाव बेचते हैं, कितना मार्जिन लेते हैं? देखिए, वो लोग अभी मार्केट में 60-55 रुपया, जिस तरह से जहाँ एरिया पर डिपेंड करता है, डाकमंगला है, बोरिंग रोड है, वहाँ पे 60 रुपया बेच रहे हैं। जो माली मुसल्लापुर है यहाँ पर 55 रुपया बेच रहे हैं। मतलब रिटेलर को भी मतलब ऐसा है कि 1 किलो 1/2 किलो करके बेचना होता है, 1 किलो का मार्जिन, 1 बोरा में 45 किलो जाता है, उसको 1 पीस 2 पीस देने से फालतू देना पड़ता है। आपको 1 किलो देगा तो 1 प्याज उसको फालतू देना होगा, कुछ उसमें डैमेज भी निकलता है, स्टॉक का माल है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना और चलना है, कुछ माल डैमेज निकलता है, तो वो सब भी ध्यान में रखते हुए। ये दाम भाव बढ़ने से किसानों को कुछ लाभ होता है? आज तो किसान को ही लाभ है, सोलो होना किसान का ही लाभ है। सरकार ओपन मार्केट की हुई है, किसान को मन हुआ माल बेचना तो बेचेंगे, अगर बिका हुआ माल उनको नहीं मन होगा कि हमको नहीं बेचना है, ये मेरे भाव पसंद का नहीं है, वो लेके चले जाएंगे, वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर व्यापारी अगर ले लेते हैं, अगर वो नहीं पैसा देते हैं तो उनका जुर्माना भुगतना होगा, लेकिन किसान को ये कोई भी चीज़ नहीं है। लाते हैं वहाँ से, नासिक से मंगाते हैं, तो आप लोगों का मार्जिन क्या होता है? हम लोग का मार्जिन नहीं होता है, हम लोग का वहाँ से आरत पे आता है, वहाँ से माल चलता है, खरीदारी होके भी आता है, दोनों स्थिति में आता है। वहाँ से व्यापारी लोग भेजते हैं माल बेचने के लिए, यहाँ बिकता है। हम लोग का उधार का भी चलता होगा? उधार का नहीं है, व्यापार सब नगद का हो गया। हाँ, गवर्नमेंट सब नगद का कर दी है, उधार कुछ भी नहीं है। पहले
उधार का होता था, व्यापारी को वहाँ नासिक वाले को उधार मिलता था, एक महीना का 15 दिन का किसान को वहाँ छूट मिलता था, वो भी लोग हम लोग को भी छूट देते थे। अब वहाँ भी नगद का व्यापार हो गया, पैसा है तो मंगाइए, पैसा नहीं है तो बैठिए, बिना पैसा का कोई काम नहीं है। आने वाले समय में आपको लगता है कि कम होगा? हाँ, ये आपको 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि 2-4 रुपया की गिरावट और आएगी। तो बिल्कुल इनका कहना है कि 2-4 दिनों में इसके भाव में और गिरावट आएगी, प्याज के भाव में, और जो नई फसल आने वाली है प्याज की वो भी मार्केट में आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर इससे कुछ लाभ होगा। लेकिन जिस तरीके का जो आप हम कह सकते हैं प्याज को लेके जो इसका भाव बढ़ाने का जो तरीका था, जो मनोज कुमार ने बताया हमें कि बारिश होती है तो लोग प्याज को मार्केट में भेजना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से मतलब स्टॉक कर लेते हैं, और उसकी वजह से मार्केट में आवक कम होता है और प्याज का भाव बढ़ जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसके भाव में कमी आएगी। हालांकि पहले जो 20-25 रुपए किलो मिला करता था उससे अभी भी काफ़ी महंगे रेट पर लोगों को खरीदना पड़ रहा है। सुजीत कुमार झा, पटना।